हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज हम करने वाले हैं 10 मिनट वाला, 15 मिनट वाला मेकअप फॉर हाउसवाइफ्स। क्योंकि हाउसवाइफ ना हर चीज़ का ध्यान रखती है, अपना नहीं रखती है। मेरे हिसाब से अगर वो तैयार शैयार होकर रहे, ऐसा कोई ग्लैमरस एंड बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग मेकअप की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा सा अपने अपने फीचर्स को इन्हेंस करना, थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रेजेंटेबल लगाना, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक को अच्छा लगता है। इवन आपको भी अच्छा लगता है, बस आप ये बोल रहे हो कि नो आई डोंट केयर। पर हर दिन स्पेशल तरीके से जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं आपको कि आज आपका आखिरी दिन ना हो। ऐसा बुरा नहीं बोल रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आप बहुत बहुत लंबी उम्र तक जिए, दादी नानी बने, परदादी बने, बट यू नेवर नो। सो इसलिए हर दिन को पूरा फुली प्यार से जिए। यस, थोड़ा तैयार शैयार होकर रहा करें, बेशक आप घर के ही काम करते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप सुबह उठे, अपना एक ना रूटीन सा बना लें कि मैं नहाने के बाद मेडिटेट करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा तैयार होंगी, और रोज़ एक प्यारी सी यूनिफॉर्म पहने। वो यूनिफॉर्म आपका कोई प्यारा सा आउटफिट हो सकता है, आपको आने जाने वाले कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। पर घर में भी रहने के लिए थोड़े से अच्छे कपड़े पहने, स्पेशली सोने के कपड़ों से थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए। एंड यस, दैट्स इट। कि हम हमारी ना अलमारियाँ चीज़ों से भरी पड़ी हैं, चीज़ें हमें फिट होना बंद हो जाती हैं, हम गिव अवे कर देते हैं, बस एक खास दिन की वेट करते रहते हैं। उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, थोड़ा तैयार होकर रहा करें। 5 मिनट वाला कोई मेकअप का रूटीन फॉलो करें। अगर आपको मेकअप अच्छा नहीं लगता है तो 5-10 मिनट का स्किन केयर करें, बिंदी लगा लें, ज्वेलरी पहन लें। सो आप अपना बेस्ट लगें, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना, एंड ऑफ द डे आप ही का दिन अच्छा जाने वाला है। आप ऐसे इधर उधर घूमते, अपने आप को शीशे में देखेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप इस बात से रिलेट करेंगे तो कमेंट बार में ज़रूर से बताना कि जिस दिन आप तैयार होते हो कितना अच्छा फील करते हैं आप, एंड एंड तक आप में एनर्जी रहती है। क्योंकि जब भी आप इधर उधर घूमते, अपने आप को शीशे में देखते हैं, आपको अपना आप अच्छा लगता है कि यार मैं किसी से कम नहीं हूँ। सो यही मेरा मोटिव है कि आप थोड़ा सा तैयार होकर स्मार्ट एंड स्टाइलिश वाइफ बन जाएं। करें वही जो आपको अच्छा लगता है, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अपना अलग से रूटीन बनाए, अलग से कपड़े पहने, जो भी मज़ेदार लगता है आपको। सो इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। बहुत ही क्विक सा मेकअप होने वाला है, बहुत कम प्रोडक्ट के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप मेरी प्यारी वीडियोस को मिस कर देंगे, जो आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा अन्याय हो। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ NYX का बेयर विद मी कंसीलर सिरम। सो इसको सीधा लेके मैं मेरे स्कार वाले एरिया पे लगा लेती हूँ, बहुत कम अमाउंट में, थोड़ा सा चिन पे, नोज एंड फोरहेड। सो हम लेंगे सिमार का ब्रश। ये ब्रश का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे पास मेकअप ब्रशेस की किट है, जिससे आप पूरे मेकअप के लुक क्रिएट कर सकते हैं। एंड उस पर बहुत मज़ेदार ऑफ चल रहा है आजकल, सो ज़रूर से लें। सो डबिंग मोशन में मेरे स्कार वाले एरिया को मैं जल्दी जल्दी ब्लेंड करूँगी। मैं बातें कर रही हूँ, वैसे इस समय मैं बहुत काली में होती हूँ, क्योंकि मुझे और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। आईज़ के ऊपर भी इसी ब्रश को घुमा देंगे, अलग से कोई कंसीलर प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे। सो इतना कम प्रोडक्ट लगाने से ये होता है कि जो मेरी इम्परफेक्शन हैं वो नीचे से दिखती रहती हैं, बट फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं थोड़ा सा पुट टुगेदर लग रही हूँ। मैंने अपने ऊपर थोड़ा समय स्पेंड किया है एंड मैं मेरी घरेलू ड्यूटीज़ के लिए तैयार हूँ। हाँ, पिछले 2 दिन से मुझे अच्छी नींद नहीं आई है, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है, एंड मेरी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट भी है। वो सारे उसके साइड इफेक्ट है जो मुझे नहीं चाहिए। सो या नींद नहीं आई है मुझे 2 दिन से, एंड 2 दिन की नहीं, नींद ने मुझे डार्क सर्कल्स दे दिए हैं, पर या ये थोड़ा सा उसको भी कवर कर देगा। ओके, सो हम कंसीलर से एंड हमारे फेस से डन है, अब हम और कुछ नहीं करेंगे। ब्लश ऑप्शनल है अगर आप लगाना चाहें तो, पर यह है कि ब्लश आपके चेहरे पे जान दे देता है थोड़ी सी। मैं मिलानी का लुमिनोसो ब्लश यूज़ करती हूँ। ये कंसीलर को लगाने के बाद सीधा मैं मेरी चिक्स पे लगा लेती हूँ, ताकि इतना रोजी लगे जिद्दा मैं बहुत ही प्यारी सी छोटी सी लड़की हूँ। अभी फेस को सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये जो फाउंडेशन या कंसीलर हमने लगाया है वो ख़राब हो जाएगा। सो मैं मैक का ये स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन यूज़ कर लेती हूँ। ये पाउडर है एक्चुअली, आपको पता ही होगा अगर आप मुझे देखते हैं, कि इससे थोड़ी और कवरेज मिल जाती है एंड आपका जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। सो इसे मैं एक बड़े फ्लफी ब्रश पे लेके बहुत हल्के हैंड से सारे फेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। वो इसलिए ताकि ये जो मैंने फेस का मेकअप किया है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए एंड सारा दिन रहे एंड बाल भी खिलर गए एंड मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगूँ, मुझे और मेरे पति को। हो चुका है ये काम, वी आर हैप्पी, वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। अभी मैं जल्दी से ना मेरे आईब्रोज़ को फिल करूँगी ये ब्रश के साथ ना। पहले मैं मेरे बालों को ब्रश कर लेती हूँ। मेरे आईब्रोज़ रब की दया से थिक हैं, अगर आपके थिक नहीं है तो उनको थोड़ा सा कलर ज़रूर करें, क्योंकि उससे बहुत डिफरेंस आता है। सो एंगल ब्रश पर मैं लेके
क्या बोलते हैं, अपने आईब्रोज को लाइटली फिल कर दूंगी जहाँ पे मुझे लगता है कि कमी रब ने छोड़ दी है। कोई गाल नहीं, हम पूरी कर देंगे इस तरह। थोड़ा सा इसको ऊपर से भी शेप दे देंगे अगर आपको लगता है कोई बाल बुल मिसिंग है। इससे ना सारी लाइन सी क्रिएट हो जाती है, क्लीन लुक आती है। अगर आपके आईब्रो करवाने भी वाले हैं ना तो पता लग नहीं लगता क्योंकि आपने नकली काम कर दिया है। सो इसी, ये जो आईब्रो का प्रोडक्ट है इसी को ना मैं मेरे आई के इनर कॉर्नर में लगा लेती हूँ, काली में, क्योंकि प्रोडक्ट कम यूज़ करने ना हमें। एंड इसी को मैं अख के यहाँ पे रख के, आँख के यहाँ पे रख के बंद करके ऐसे विंग क्रिएट कर लेती हूँ। उल्ला फिरी बहुत तगड़ा हो गया, दिस इज इवन तगड़ा। बहुत ही ज़्यादा शैतान लगनी शुरू हो गई हूँ मैं, चिंता मत करें, वो तो मैं हुई। आप सोचेंगे कि मैं क्यों चिंता करूँगी, शैतान तो तुम लग रही हो। वो आप इसलिए चिंता करेंगे क्योंकि आप देख के मुझे मेकअप कर रहे हैं ना, तो फिर आप भी शैतान लगेंगे। ओके सो मैं लेने वाली हूँ ये पाउडर। ओके ये लॉरियल का इन्फेलेबल फ्रेश वेयर ब्राउन्जर है, इसमें कोई शाइन नहीं है और ये काफ़ी अच्छा डार्क शेड है। इससे मेरे फेस को मिलेगी शेप और इसी से मैं वैसे इतनी तेजी से इसलिए कर रही हूँ जैसे ओकी कहते हैं मैं टाइम का चैलेंज कर रही हूँ कोई। इसे कि नक पे लगा के तिखा कर लेंगे, इसको बालों पे लगा लेंगे थोड़ा सा हेयर लाइन पर, क्योंकि ऐसे लगना नहीं चाहिए कि हमने फाउंडेशन लगाया है। अभी ये काफ़ी अजीब लग रहा है, इसको रहने देंगे। इसी ब्रश के साथ ये प्यारा ब्यूटीफुल सिमॉल ब्रश हम हमारी आईज़ को भी थोड़ा सा कलर दे देंगे इसी ब्रश के साथ, मेरा दर्द फ्लफ फ्लफ कर दे कि सारे पासे लग जाए। ओके छोटा ब्रश लूँगी मैं जिसकी थोड़ा सा छोटा है, इससे मैं मेरे लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा सा कलर दे दूँगी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा प्यारा लगता है। ओके सो ये जो मैंने बहुत सारा ब्राउन्जर लगा लिया है इसको, जिससे हमने फाउंडेशन लगाया उसी ब्रश के साथ थोड़ा सा सेट कर देंगे। सो अगला काम है मस्कारा लगाने का। मस्कारे के लिए मैं लैनकॉम का ये प्यारा सा मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ एंड हमारी आईज को, लैशेस को ऐसे बना लेंगे जैसे स्वर्ग सुंदरी के जैसी बना लेंगे लैशेस को, बहुत प्यारी। आंखें बातें करना शुरू कर देगी यार। ओके सो जितने कोट लगाना चाहते हैं लगाएं, 5, 10, 20 जितना भी आपका मन करता है। मस्कारा लगाने से ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, ज़रूर से लगाएं इसको, बिल्कुल पुल्ले मत। एंड लोअर लैश लाइन पर भी लगाएं, आपकी आंखें ना थोड़ा ओपन लगना शुरू हो जाएगी। स्पेशली अगर आप कभी मस्कारा नहीं लगाते, आप लगा के देखना, आपको अपना चेहरा इतना क्यूट लगेगा, सारा दिन आप अपने आप को इधर उधर जाते शीशे में देखते रहेंगे, पति तो देखेंगे। सो नॉर्मल डेज में एक और चीज़ मैं करती हूँ कि मैं आईलाइनर जैसा क्रिएट कर लेती हूँ कहाँ पे आइस के ऊपर, पर आज जस्ट स्किप कर देते हैं, वी आर डन। अभी लिपस्टिक की बारी आती है, उसके लिए मैं शी ग्लैम का रास्टी ऑरेंज मिस्टी रोज, रास्टी ऑरेंज, सो शी ग्लैम की लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी। इसका नाम है मिस्टी रोज, बहुत ही प्यारा ऑरेंजी बर्नड ऑरेंज किस्म का शेड है और हमारी स्किन पे काफ़ी अच्छा भी लगता है। आप लिप लाइनर भी लगा सकते हैं, लिप लाइनर के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ ये सफोरा का लिप लाइनर, मेरी हाथों में आ गया है, डीप बेज है इसका नाम। और लिपस्टिक को जहाँ पे हमने लगाया वहीं पे छोड़ देते हैं, लिप लाइनर लगा लेते हैं। लिप लाइनर का फ़ायदा ये है, एक तो आपके लिप्स शेप में लगते हैं, दूसरा है कि ओवरलाइन करके आप मेरे जैसे पिद्दी लिप्स को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, तीसरी गल है कि आपकी जो लिपस्टिक है लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें हाउसवाइफ के लिए परफेक्ट है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार टचअप करते रहे। इससे पहले कि ये लिक्विड लिपस्टिक सोख जाए, इसको फिंगर की मदद से मेल्ट ब्लेंड कर देते हैं। सैड न्यूज़ है कि वो सोख चुकी है। वी आर डन विद दिस अगली मेकअप। मेरे हिसाब से हाउसवाइफ अगर पिद्दी सी बिंदी लगाए ना तो क्यूट लगेंगी। पिद्दी बिंदी लगाना कड़ा आसान है, हाथ में नहीं आ रही, ला लो लाभ की इतनी पिद्दी है पर फिर भी मिलती जा रही है। हाँ हाँ द मोस्ट ब्यूटिफुल हाउसवाइफ ऑन प्लैनेट। सो ये चुन्नी इतनी पड़ी है, इसी के साथ फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं हाउसवाइफ वाली परफेक्ट। 5 मिनट नहीं बट या कोशिश है कि कम से कम समय लगे। ऑल राइट प्यारे दोस्तों, सो इसी के साथ हम डन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को एंड कमेंट बार में कुछ भी प्यारे से विचार बताना। एंड मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही नए वीडियो में। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी रिक्वेस्ट है वीडियो की, आप उसे कमेंट बार में छोड़ सकते हैं, हम उस पर ज़रूर से काम करेंगे। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें। एंड बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, आप जैसे भी हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, आप हैं एंड अलग हैं। आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक सोच क्रिएट करनी है एंड उस पर एक्शन लेना है, दैट्स इट। आसान है ना। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। Bye bye. Lalu.